ये तुम कूद क्यों रहे हो? चांद पर ग्रेविटी कम होती है ना, इसीलिए हम हवा में उछल रहे हैं। पर क्या आप सब हवा में उछल नहीं रहे? इसका मतलब है आप लोगों में कुछ न कुछ गड़बड़ है और आपको वापस धरती पर भेजना पड़ेगा। वापस धरती पर? नहीं नहीं नहीं, मैं भी उछल रहा हूँ, मैं भी उछल रहा हूँ। हम सब उछल रहे हैं, देखो। हम चांद पर पहली बार आए हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फंटूश नगर का गोकुल है। ओए गोकुल, तुम यहाँ कैसे? अरे चाचा, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। गाय चराने? यहाँ की घास अच्छी है ना, क्यों कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो तुम्हें और तुम्हारे गायों को होती होगी ना, सांस लेने में। सांस लेने में? थोड़ा प्रदूषण तो सब जगह है ना भल्ला जी, पर अब आदत सी पड़ गई है। और तुम रोज यहाँ कैसे आते हो? कोई महीने भर का पास बनवा लिया है क्या? इतना दूर भी नहीं है, देखिए देखिए, यहाँ से फंटूश नगर दिखाई देता है। सच में यहाँ से फंटूश नगर भी दिखाई देता है, क्या बात है। पर तुम लोगों ने ये सर पर क्या? सुनो सुनो सुनो, हमारे पास लिमिटेड रूम्स हैं, जो पहले आएगा उसे अच्छे रूम्स मिलेंगे। जॉन मामा, मामू ऊपर है चंदा मामा और नीचे तेरा गंदा मामा। यस, पासवर्ड है गंदा मामा। ANDAMAMA। भल्ला जी, अब तो आप चांद पर पहुंच गए, अब बाकी के पैसे भी दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर। रुकिए, इस चांद मामा को पैसे मत दीजिए, ये धोखेबाज है। ओए पतीजे, और तू इस रॉकेट में ही था? इसने तो कहा था तू चांद पर कहीं गया है। यहाँ से भाग लेना चाहिए। अरे ये चांद मामा तो हमें चांद पर कमरे देने से पहले ही भाग गया। रोको उसे, रोको। ये चांद नहीं है, हम कभी चांद पर गए ही नहीं, हम फंटूश नगर में ही है। पकड़ो। हेलो बंदूक कीजिए, जल्दी से चांद पर, मेरा मतलब है फंटूश नगर के बाहर आ जाइए। चांद मामा सबको बेवकूफ बनाकर भाग रहा है। चाचू, जैसे ही कोई जले हुए समोसे मांगे तो हमें ये लाल रुमाल दिखा के इशारा करना, ठीक है? ओए जी पुत्र, फिकर दी कोई गल नहीं, तुम लोग छुप जाओ। ओए सुनो, चार जले हुए समोसे देना। ओए मैं अभी चार अच्छे करारे समोसे लेकर आता हूँ। ओए अच्छे नहीं, जले हुए, जले हुए। ओ जी, हम अपने कस्टमर को जले हुए समोसे नहीं देते। ओ यार, हमें नहीं, हमारे डॉगी को जले हुए समोसे पसंद है। ओ यार, ये रुमाल कहाँ गया यार? रुमाल में नहीं, पेपर में बांधो। ओ रुमाल तो भतीजे इशारा करने के लिए। ये क्या बोल दिया? ओए ओए, रे पावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, जलेबी खाने की चीज से मारने की नहीं, पूरा मेकअप खराब कर दिया। ओ जी मिल गया रुमाल, सॉरी। बाल बाल बच गए, तो हमें फंसाने के लिए भतीजे ने समोसे का ट्रैप लगाया था। कोई नहीं, कम से कम स्वादिष्ट जलेबी तो चखने मिली। जलेबी तो लॉटरी लग गई। ओए जीते,
मारो बच्चे। वो देखो तिजोरी। ओए, इसमें चाबी नहीं पेपर है और उस पे लिखा है LION लायन LION। ओए ढोलकी, खट करके आवाज आई लेकिन ये तिजोरी खुल नहीं रही। ओए जीजे, ये तिजोरी खुलती क्यों नहीं? मैं देखता हूँ। क्यों डंका ढोलकी अंकल, कुछ हेल्प चाहिए क्या? टेबल के पीछे तो कोई नहीं है। इस बार भतीजे की बात गलत कैसे हो गए? अपनी बिक्री भाई, जरा पानी मिलेगा? अच्छा तो मैं चलता। भतीजे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि टेबल के पीछे कोई नहीं था, पर इसके बावजूद उस टेबल का पैर आज टूटा पड़ा है। मैंने अभी जग्गा को फोन किया है और वो नया टेबल लेकर आता ही होगा। मैं अभी वहाँ पर आता हूँ मिमिक्री अंकल और पता लगाता हूँ। ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना मिमिक्री भाई? इतने जल्दी कैसे आ गए? और आते हुए दिखाई भी नहीं दिए। हमारी सर्विस बहुत फास्ट है। मैंने कहा था ना, टेबल अगर डिफेक्टिव हो तो हम आपको नया टेबल देंगे। ये रहा आपका नया टेबल, हम पुराना लेकर जाते हैं। टेबल से खनकने की आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। चाचू जल्दी इस टेबल को चेक कीजिए। तो ये दोनों कोर्ट में छुपे थे। अरे जग्गा, हमारी चोरी पकड़ी गई। अरे डग्गा, जल्दी गाड़ी चला। ये तो अपने आप चल रहा है। ओहो चाचू, स्कूटर टेबल के ऊपर है। मुझे कुछ नहीं सुना चाचे, कैसे भी करके शाम तक चोर को पकड़ना है, नहीं तो तेरी सैलरी में से तनख्वाह काट लूंगा। बधाई हो जी, बधाई हो। आप रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी का कॉन्टेस्ट जीत गए और जी आपको मिलते हैं टिम्बकटू की 2 फ्री टिकटें। क्या बात है पल्ला जी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज तो मैं खुद हूँ, मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लिया। ओहो, की गल कर रहे हो तुसी, आप बल्ला नहीं हो? ओ, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया जी। अरे नहीं नहीं नहीं, फ्री की चीजों के लिए भल्ला का एड्रेस हमेशा सही होता है। ना बढ़िया बात, तो ठीक है जी, तैयारी कर लो, फ्लाइट आज रात की है। क्या आज रात? ओए, पर मैंने तो अब तक पैकिंग शैकिंग भी शुरू नहीं की। ओ मैडम जी, आप उसकी चिंता ना करें, रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी की तरफ से आपका लगेज और आपका कपड़ा पहले से ही पैक हो चुका है। बस आप खुद शाम 6 बजे तैयार रहिएगा, एयरपोर्ट तक की राइड भी हमारी तरफ से फ्री है जी, फ्री है। मैडम, ये रहा कपड़ों से भरा हुआ आपका फ्री लगेज बैग।
क्या आप इस शानदार गाड़ी में एयरपोर्ट चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार जी, कपड़े फ्री, लगेज फ्री, टिकट फ्री और मैं भी टेंशन फ्री। कुछ ही देर में हम फंतोष नगर से रफू चक्कर हो जाएंगे। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। यो किसकी गाड़ी सर? मेरी है जी, मैं चला टिम्बकटू। रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी ने मुझे फ्री टिकट्स दिए हैं। आज रात की फ्लाइट है। जूम रफू चक्कर ट्रैवल्स, ये एजेंसी फंटूश नगर में कब खुली? ओ जी, हमें फ्री लगेज और एयरपोर्ट तक की राइड फ्री मिली है। ओफो, ये दोनों कितना ज्यादा बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें देरी हो रही है। अरे भल्ला की गाड़ी को के चेक करना। बच गए। ओए तुम लोग सुनो, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पर तुम दोनों ध्यान रखना कि चोर हीरा लेकर फंटूश नगर से जाने ना पाए।